आज वर्ल्ड में इन्वायरमेंटल इश्यूज काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किए जा रहे हैं एंड हम सभी किसी ना किसी तरह से अपने प्लैनेट अर्थ को सेफ रखने के बारे में सोचते हैं। बट इलॉन अपनी ईवी कंपनी टेस्ला की मदद से जस्ट हमारी तरह सोचने की जगह एक्चुअली में प्लैनेट अर्थ को ऐसी गाड़ियाँ बनाकर बचा रहे हैं जो एटमोसफेयर में 0% CO2 रिलीज करती हैं। काश अदर कार कंपनी CO2 से प्लैनेट पर पड़ने वाले इम्पैक्ट के बारे में पहले से सोचते। वेल, सभी लोग इलॉन की तरह नहीं होते एंड इसीलिए वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन इलॉन मस्क दूसरों की गलतियों को सुधारना चाहते हैं। इवन इलॉन मस्क ने कुछ टाइम पहले एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने एटमॉस्फेयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने वाली टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस किया एंड उन्होंने इस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप करने वाले को $100 मिलियन का प्राइस ऑफर किया। बट अभी तक इस प्राइस को अचीव करने वाला विनर दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। लेट्स सी फ्यूचर में क्या होता है। जब तक इलॉन के अलावा कोई ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करने का काम कर रहा है, इलॉन की कंपनी SpaceX ऐसे ही एक आइडिया पर काम कर रही है, विच इज एटमोसफेयर में मौजूद CO2 को एक तरह से रॉकेट फ्यूल की तरह इस्तेमाल करना। ऑल्सो, क्या आपको पता है इलॉन मस्क ह्यूमंस को अपने स्टारशिप में मार्स प्लैनेट भेजने से पहले अर्थ पर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने की सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले हैं। वेल, इस टॉपिक को हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। वीडियो का लिंक आई बटन और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इलॉन की स्पेस एक्सप्लोरेशन कंपनी SpaceX का गोल है मार्स प्लैनेट पर ह्यूमन सिविलाइजेशन पॉसिबल बनाना। इस गोल को अचीव करने के लिए SpaceX एक रीयूजेबल रॉकेट बना रही है कॉल्ड स्टारशिप, जो एक बार में ऑर्बिट में 100 टन का कार्गो लेकर जा सकता है। स्टारशिप एक 2-स्टेज लॉन्च व्हीकल है जिसमें एक स्पेसक्राफ्ट और एक सुपर हैवी रॉकेट बूस्टर मौजूद होता है एंड दोनों ही लॉन्च स्टेजेस में रैप्टर इंजन इस्तेमाल किए जाते हैं, जिन्हें पावर क्रायोजेनिक लिक्विड मीथेन एंड लिक्विड ऑक्सीजन से मिलती है एंड SpaceX के सुपर हैवी बूस्टर में इस तरह के टोटल 32 रैप्टर इंजन लगाए जाएंगे, जो एक साथ फायर करने के बाद लगभग 9,000 टन का थ्रस्ट प्रोवाइड करेगा। इस तरह के पावरफुल रॉकेट की वजह से सुपर हैवी बूस्टर आज तक बनाया गया सबसे पावरफुल रॉकेट होगा एंड स्टारशिप में ऐसा एक नहीं और ना ही दो बल्कि टोटल 3 बूस्टर लगाए जाएंगे, जो स्टारशिप को स्पेस वैक्यूम में ट्रैवल करने की अच्छी स्पीड प्रोवाइड करेगा एंड साथ ही ऐसे 3 और बूस्टर इंजन जो स्टारशिप को एटमोस्फेरिक फ्लाइट यानी कि टेक ऑफ और लैंडिंग के समय हेल्प करेगा। इस तरह के रैप्टर इंजन्स आज तक बनाए गए सबसे यूनिक रॉकेट इंजन्स हैं, जिन्हें SpaceX ने स्पेशली मार्स प्लैनेट की सिविलाइजेशन को शुरू करने के लिए डेवलप किया है, जो एक बार मार्स प्लैनेट पर जाने के बाद मार्स प्लैनेट पर मौजूद ह्यूमंस को मार्स प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में मौजूद CO2 से लिक्विड ऑक्सीजन एंड लिक्विड मीथेन बनाने में यूज किया जाएगा। इस तरह से मार्स प्लैनेट पर गए लोग ऑलवेज स्टारशिप के लिए मार्स प्लैनेट पर फ्यूल बना सकेंगे एंड मार्स प्लैनेट से अर्थ पर वापस आना जाना कर सकेंगे। इवन इलॉन मस्क ने रिसेंटली इस आइडिया से रिलेटेड एक ट्वीट किया था एंड इस आइडिया में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों को SpaceX की टीम ज्वाइन करने को कहा। साथ ही उन्होंने इस आइडिया को मार्स प्लैनेट कोलोनाइजेशन में यूज करने की भी बात की, बट अभी भी इस कॉन्सेप्ट का वर्किंग प्लान एक सीक्रेट है, जिसकी वजह से इलॉन या फिर SpaceX ने इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स पब्लिक नहीं की हैं। बट इस तरह का आइडिया हमारे प्लैनेट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ग्लोबल वार्मिंग को हमेशा के लिए सॉल्व कर सकता है, इसलिए इस तरह के आइडिया के बारे में इलॉन से सुनने के बाद सभी लोग इस कॉन्सेप्ट के बारे में सुनना चाहते हैं कि कैसे ये आइडिया नॉट अर्थ बट किसी भी प्लैनेट के एटमोसफेयर और एनवायरमेंट में मौजूद CO2 को रिमूव करेगा। इवन इस तरह का आइडिया उनके लिए और भी एक्साइटिंग है जो स्पेस सिविलाइजेशन को रियल होता देखना चाहते हैं, बिकॉज यदि SpaceX रियली में एक सक्सेसफुल कार्बन कैप्चर वाली टेक्नोलॉजी बना लेती है तो SpaceX स्टारशिप को कार्बन न्यूट्रल रॉकेट बना सकेगा, जो लॉन्ग टर्म में नॉट जस्ट SpaceX के लिए बट स्पेस एक्सप्लोरेशन में काफ़ी चेंजेस लाने के साथ हमारे प्लैनेट अर्थ को हमेशा के लिए क्लाइमेट चेंज जैसे सीरियस इशू का परमानेंट सॉल्यूशन दे देगा। एंड इसी टेक्नोलॉजी को जल्दी से जल्दी डेवलप करने के लिए इलॉन मस्क ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस तरह के $100 मिलियन प्राइस के बारे में अनाउंसमेंट की, बस कहीं ऐसी टेक्नोलॉजी के बनने के बाद एटमॉस्फेयर में CO2 की कमी ना होने लगे। इलॉन के बेस्ट कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी कॉम्पिटिशन में फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत से स्टूडेंट्स ने पार्ट लिया एंड ऑस्ट्रेलिया के मोनाश एंड मलेशिया की यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स ने इस कॉम्पिटिशन में अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट किया,
जिसके बाद उन्हें डायरेक्ट इलॉन से $250,000 यानी कि 1.8 करोड़ की फंडिंग रिसीव हुई, सो दैट वो अपने आइडियाज को इस कंपटीशन के लिए डेवलप कर सकें। एंड सिंस अभी भी इस कंपटीशन का कोई विनर नहीं है, इसलिए आने वाले टाइम में भी वेरियस स्टूडेंट्स इस कंपटीशन में पार्ट लेते रहेंगे। सो लेट्स सी SpaceX के इंजीनियर CO2 को कैप्चर करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं। वहीं कुछ रिसर्चर्स ने इस तरह का मेथड डेवलप किया है जिससे रिसर्चर्स मेथेन की मदद से रॉकेट फ्यूल्स बना सकते हैं। इन रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग ये मेथड फ्यूचर स्पेस मिशन के लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है, बट इस तरह का मेथड इलॉन और उनके इंजीनियर्स के लिए बिल्कुल भी एक्साइटिंग नहीं है, बिकॉज इस मेथड के बारे में इलॉन और उनके SpaceX के इंजीनियर्स काफ़ी पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसकी मदद से SpaceX मार्स प्लेनेट पर मौजूद CO2 और आइस में मौजूद हाइड्रोजन की मदद से मीथेन बना सकती थी। बट इलॉन मस्क ने इस मेथड की जगह न्यू टेक्नोलॉजी या फिर तरीके फाइंड करना शुरू कर दिए, बिकॉज इलॉन के अकॉर्डिंग इस तरह के मेथड को यूज करने से पहले इस तरह के मेथड को पूरी तरह से डेवलप करना काफ़ी ज़रूरी है, जिसे अभी भी काफ़ी रिसर्च और इंजीनियरिंग चाहिए। बट यदि इस तरह की टेक्नोलॉजी रियली में हमारे प्लैनेट की वेरियस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती थी, तो अदर स्पेस एजेंसीज ने ऐसे मेथड डेवलप क्यों नहीं किए? फॉर एग्जांपल नासा। वेल, नासा के लिए अर्थ पर मौजूद प्रॉब्लम्स पर ध्यान देने से ज़्यादा ज़रूरी है अदर पार्ट्स ऑफ स्पेस को एक्सप्लोर करना, बट लकीली हमारे प्लैनेट के सेवियर की थिंकिंग ऐसी नहीं है। एंड मार्स प्लैनेट पर ह्यूमन सिविलाइजेशन की रेस में लगी अदर स्पेस एजेंसीज के अकॉर्डिंग मार्स प्लैनेट पर किसी ह्यूमन मिशन को सेंड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा रॉकेट फ्यूल की रिक्वायरमेंट है। एंड इवन मोर, यदि मार्स प्लैनेट पर गए ह्यूमंस वापस अर्थ पर आना चाहते हैं तो मार्स के सर्फेस पर किसी रॉकेट को लॉन्च करने के लिए थाउजेंड ऑफ टन्स ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, एंड साथ ही थाउजेंड ऑफ टन्स ऑफ रॉकेट फ्यूल की भी। फॉर एग्जाम्पल, चार लोगों के मार्स मिशन में नियरली 25 मेट्रिक टन ऑफ फ्यूल की ज़रूरत होगी, जो मार्स प्लैनेट से टेक ऑफ करने के लिए रॉकेट को 7 मैट्रिक टन का थ्रस्ट प्रोवाइड करेगा। इसलिए इस तरह की बड़ी फ्यूल क्वांटिटी को अपने साथ मार्स प्लैनेट ले जाने से अच्छा यही होगा कि मार्स प्लैनेट पर गए इंटेलिजेंट लोग ऐसे फ्यूल जस्ट मार्स प्लैनेट की थिन एयर को यूज़ करके बनाना जानते हों। एंड इस तरह के मेथड को टेस्ट करने के लिए नासा ने ऐसी टेक्नोलॉजी अपने परसिवरेंस रोवर के साथ मंगल ग्रह पर भेजी है, जो इस कॉन्सेप्ट की रियलिटी को किसी फर्स्ट ह्यूमन मिशन से पहले मार्स प्लैनेट पर टेस्ट कर सके। नासा, SpaceX एंड अदर स्पेस एजेंसीज के साथ वर्ल्ड के अदर रिसर्चर्स भी इस तरह के मेथड नॉट जस्ट अभी से बट फर्स्ट स्पेस मिशन के समय से ही डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ह्यूमंस चाहे अर्थ पर रहें या फिर यूनिवर्स में किसी भी जगह पर, इम्पॉर्टेंट यह है कि हम ह्यूमंस को उन जगहों पर मौजूद चीज़ें अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज़ करने आनी चाहिए, साथ ही उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के ऑल्टरनेटिव भी हमें बनाने आने चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैन वर्सेस वाइल्ड में शो किए गए बेयर ग्रिल्स, जो मुश्किल समय में भी सरवाइव करने के नेचर में मौजूद ऑल्टरनेटिव्स को अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हुए दिखाए गए हैं। ऑलराइट, सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपके अकॉर्डिंग एटमोसफेयर में मौजूद CO2 को रॉकेट फ्यूल की जगह और किस तरह से यूज़ किया जा सकता है? Share your feedback and video suggestions in the comment section down below. And wish you all a very happy new year. And thank you for all the love and support on the channel. Thank you once again, and I will see you in the next one.